ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार है। यस, पर ये सारे इडली को मैंने कोई भी इडली कुकर पे नहीं बनाई हूँ, और आपको भी यही आज दिखाने वाली हूँ। ये सारे इडली मैंने बहुत ही आसान एक तरीके के से ही बनाई हूँ। कोई भी इडली कुकर मैं नहीं यूज़ करती हूँ, और मेरे पास भी नहीं है। और आपके पास इडली कुकर नहीं है तो आपको इडली खाने का मन कर रहा है, तो आप मार्केट से नहीं खरीद के घर पे ही बना सकते हो। ऐसे ही इजी आसान तरीके से वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या और आप देख रहे हो मॉम्स कॉर्नर इंडिया। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास में रहे बेल टिंग टिंग को ऑब्वियसली दबा भी देना। अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ज्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगी, लेट्स गेट स्टार्टेड इन वीडियो। यह है 3 कप चावल, मैं प्लेन चावल ही लिया है। इसके साथ 1 टेबल स्पून मेथी दाना मैं भिगो के रख दी थी 6 घंटे तक। और यह है 1 कप उड़द दाल, इसे मैं अच्छे से वॉश करके ब्लेंड कर लूँगी और कुछ भी पानी नहीं डालूँगी। तो ये मैं चावल को पेस्ट कर लिया है ऐसे, और ये है दाल, दाल को अभी पेस्ट कर लेती हूँ। दाल को मैंने पेस्ट कर लिया है ऐसे, कुछ भी पानी नहीं मिलाई हूँ क्योंकि इसमें पानी नहीं जाएगा। पानी डालोगे तो बहुत ही लिक्विड जैसा हो जाता है, और ऐसे गर्म ही आपको चाहिए तो बहुत अच्छे टाइम आपको हाथ में रख के इसे भिगो देना है, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और मैं अच्छे से दोनों को एक साथ मिलाकर फेंट लूँगी क्योंकि इसे फेंटना बहुत ही ज़रूरत होता है। नहीं फेंटोगे तो बहुत ही हार्ड हो जाता है इडली, और जितना फेंटोगे दाल जितना हल्का होएगा उतना ही इडली सॉफ्ट बनता है और परफेक्ट टेक्सचर आता है। तो अभी मैं मिला रही हूँ नमक, नमक से थोड़ा सा स्वाद आता है और मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, आपके स्वाद अनुसार आप डालिए। और इसे अच्छे से फेंट के मैं इसे फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी 8 घंटे के लिए। तो दाल मेरा बहुत अच्छे से ही फेंट गया है और बहुत ही हल्का भी हो चुका है, एंड कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि आप जितना फेंटोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही वाइटिश एक दाल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैं 8 घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ, मेरा दाल जो है वो ऐसे कंसिस्टेंसी पे आया है और बहुत ही अच्छा एक फर्मेंटेशन भी हुआ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इडली कुकर के बिना, मतलब विदाउट इडली कुकर आप कैसे इडली बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं ऐसे छोटा 4 बाउल लिया है, पर मेरा 2 बाउल ऐसा ही है, और दोनों ऐसा होता तो अच्छा होता, पर दोनों और एक टाइप का है। तो इसे मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ। अभी मैं सारे बाउल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इडली बैटर को डाल देती हूँ, और रेगुलर इडली से थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है ये इडली क्योंकि बाउल थोड़ा सा बड़ा होता है इसीलिए। तो आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा कम करके डाल सकते हो, पर मैं इतने तक ही डाल रही हूँ क्योंकि इतने जगह मैं खाली रख रही हूँ थोड़ा सा फूलने के लिए। ऐसा एक बड़ा पतीला चाहिए, उस पर पानी भी रखी है मैंने। और ऐसा छेद वाली एक बर्तन चाहिए, तो इसे मैं रख दूंगी इसके ऊपर।
तो ये देखिए, और इसे मैं ढक्कन देकर 20 मिनट्स ऐसे ही रखूंगी। उसके अंदर एक बार चेक कर लूंगी। चेक करने के लिए इसे ढक्कन को खोलती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से फूला है। और थोड़ा मतलब 5 मिनट्स लगेगा, तो 20 मिनट्स एग्जैक्टली लगता है, इसीलिए 5 मिनट्स के लिए मैं इसे ढक्कन लगा कर छोड़ती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा फूला फूला एंड स्पॉन्जी बना है। और आप इसे जितना फेटोगे वो दाल को उतना ही स्पॉन्जी एंड फूला फूला बनता है। तो सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इडली को मैंने सर्व किया है सांभर और चटनी के साथ, और इडली कितना अच्छा स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बना है, और अंदर में देखिए थोड़ा सा जालीदार भी बन गया है, तो एकदम परफेक्ट इडली ही बना है। और टेस्ट का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। कुकर पे बना हुआ इडली का जो ही टेस्ट होता है, ऐसे आप इडली बनाओगे तो परफेक्ट ऐसा ही टेक्सचर और टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो आपने देख ही लिया है मैंने कैसे विदाउट इडली कुकर बहुत ही अच्छा इडली बना लिया है। और मेरे पास इडली कुकर नहीं है, तो मैं अभी ऐसे करके ही इडली बनाती हूँ। और बहुत ही हेल्दी होता है इडली हमारे सेहत के लिए, और हेवी एक ब्रेकफास्ट भी होता है। और ये तो सांभर मैं आपके साथ आज नहीं शेयर कर पाई हूँ, ये सिर्फ इडली और डोसा के लिए ही है ये सांभर। तो आपको कैसे लगे मेरा ये रेसिपी।